इसके विरोध में हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर किसी भी हद तक हम गुजरने को तैयार हैं। एक ये एक शेर है, किसी शायर ने कहा है, जालिम को जो नोटे वो शामिल है जुड़ने, कातिल को जो नोटे वो कातिल के साथ है, हल्की नहीं है शायर। तबारीख बताती है, इतिहास गवाह है, ये सरकार जुल्म कर रही है आपके साथ में। के जवाब में खड़े होने के लिए ये शेर आपको जैसे मजदूर भी अच्छा रहेगा, किसान की तो जमीनें जानी है सरकार के खाते में पहुंची तो, और आने वाले आज तक पूरी करिए सरकार ने, तो फिर जान के निकल, हमें जान दो। पानी बनाई है सामान उसी लिए आएंगे ना, उसी लिए आओ सामान उसी लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। अरे कहाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमें लोग हैं, 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 ऐसा कौन चाहिए, 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 ऐसा कौन भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हाँ जी सुन लो जरा एक मिनट, सुनाओ साहब, सुनो भाई सुनो। हमारा मेन उद्देश्य दिल्ली जाना था जी, ये प्रशासन हमें दिल्ली नहीं जान दे रहा, कोई बात नहीं। यही बैठे रहेंगे, नहीं कोई बात नहीं, बैठे तुम यहाँ।
ना चलो सब घर चलो 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 सब हम दिल्ली पहुंचेंगे और सब लोग को अनुरोध है खोल दो अपने घर चलो और कल जाते देखो दुखी तो बता रहे हैं लेकिन हम तो देखो यही बैठे खाने की एक टोली हैगी और तुम बाकी सब घर को जाओ एक्शन लिया और भैया कल को खाने का इंजाम लिया और हम यहाँ बैठे हमारे गांव का ट्रैक्टर अपने आप आ जाएगा मेरी मेरी समस्या सुनोगे मील वालों ने पेमेंट नहीं दिया और मेरे घरवाली की मौत हो गई और मेरा 1,00,000 रुपया मील पे था और मील ने मेरा दिया मेरे घरवाली की पैसे का अभाव मौत हो गई कैसे चला जाऊँ घर को यो बताओ कैसे चलू घर को हमारे बच्चों को दुखी कर देंगे हमें दुखी कर देंगे कहाँ जा मैम हम तो आज मरने को आए हैं हम तो कफन बांध का आए फिर था देखे शिषपाल सिंह कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आज तो वही किसानों का हो रहा है पूरे भारत में चल रहा है पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी इसकी बड़ा धन्यवाद है हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं बतेरे बॉर्डर तोड़ रहे हैं सरकार दिल्ली नहीं जान दे रही अरे भाई एक गारंटी ले लो ना कि जितना भाव ये तय करेंगे उतने भाव से कहीं कम खरीदारी कोई व्यापारी ना करे किसान की उसी भाव जाना चाहिए चाहे गन्ना हो गेहूँ हो धान हो गन्ने पर तो पूरी लूट हो रही है चाहे 150 रुपये को ले लो कोई पाबंदी नहीं किसी पर भाई ये 325 कितना रेट है इनका पहले साल का ही अब का तो बढ़ाया ही ना वो उतना रेट सभी ले बनाए वो ये तो रेट ये है कि मक्का 800 रुपये बाजरा 700 रुपये ऐसे बिक रहा भैया 1500 रुपये हाँ कहीं बिजली इन्होंने फिर कर रखी है यहाँ किसान रो रहे हैं यहाँ भी बिजली फ्री होनी चाहिए ना अच्छा आप जब बैठे यहाँ पे बैठे कब तक बैठे रहेंगे वो बैठे रहेंगे जब लोग कोई आगे से सुनवाई आगे से भी आदेश आएगा कुछ यहाँ भी अधिकारी आएंगे राष्ट्रीय आह्वान का हाँ डीएम सीएम आएंगे जल्दी जाएंगे अभी तो साइन लो बैठे रहेंगे।